आज का जो वेदर है इतना मस्त था ना सुबह से। आज मुझे ऐसा लग रहा था कि लगभग 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 29 या 27 डिग्री के जो आसपास। है ट्रैफिक ज़्यादा है, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा बोटें चल रही है, और इसके किनारे में टूरिस्ट लगे पड़े हैं, आनंद ले रहे हैं, लुत्फ ले रहे हैं, सब चीज़ का मजा ले रहे क्राउड हैं। ज़्यादातर आजकल नैनीताल में रहता है, क्योंकि जो टूरिस्ट आता है सबसे पहले नैनीताल में कदम रखता है भाई, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वो नैनीताल को चल। ये देखिए यहाँ पर हर किसी को इजीली सवारी मिल जा रही थी, आज चला रहे लोकल टैक्सी। मतलब आज जो क्राउड है इधर का थोड़ा बहुत कमी है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने घर की ओर पलायन कर लिया है। 7 बजे भी पूरा पूरा इस बार तो पूरा पूरा प्रबंधन कर रखा, और दो गाड़ियाँ हैं देखो यार ट्विन मैन, एक ही हो गई और एक ही हो गई, इसलिए लगाई गई है सीधे टो करके ना, इस बार सीधे थाने के पास खड़ा करा जाए। नहीं दे रहे हैं टूरिस्ट को भी, अभी ट्विन मैन वाले आए थे हटा गए, पुलिस ने सब सब शब्दों में कहा कि यहाँ से हटा दीजिए, ट्रैफिक का हो जाता है। और देखो एक्टिविटीज़ के साथ उस टाइम मैं कहने जाता कि लड़के बच्चे लोग ज़्यादा खुश होते हैं एक्टिविटीज़ करने के लिए। ये देखो कितना ज़्यादा खुश है। वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों। सो आज का जो वेदर है इतना मस्त था ना सुबह से, आज मुझे ऐसा लग रहा था कि लगभग 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 29 या 27 डिग्री के आसपास होगा, क्योंकि सुबह से आज बहुत ज़्यादा ठंडी थी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही नहीं कहेंगे, एक हफ्ते बाद बहुत अच्छा वेदर रहा है नैनीताल के अंदर, क्योंकि जो वेदर है ऑलमोस्ट वेरी वेरी गुड। ठंडे ने फिर से ज़िंदगी में राहत लाई है, और नाउ और मैं शाम के टाइम निकलने के लिए तैयार हूँ घूमने के लिए। सो डब्बू स्टिल वेटिंग तो वो वेट कर रहा है, फोन आया था मगर लेट आया, वो बात अलग है। सो निकल पड़े हैं अपनी स्थिति की ओर को। हाय ब्रदर, कैसे हो आप लोग? सो चलते हैं। वो सामने ही खड़ा है, सामने ही खड़ा है, वो वेटिंग कर रहा है मेरा। मैं लेट हो गया शायद, पहले तो ये लेट हुआ अब मैं लेट हो गया। तो आज तुम्हें दिखाता है नैनीताल में कैसा माहौल है, कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, कितने लोग आए हुए और कितने लोग यहाँ अभी वापसी की ओर जा। तो दोस्तों पहुँच चुका हूँ मैं तलीताल डाट पे, बहुत अच्छा लग रहा है इतनी कम भीड़ देखने के बाद, और भीड़ देखने के बाद और ज़्यादा अच्छा लगता है। सो आज ट्रैफिक भी कम है, दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा था मगर शाम के टाइम में बहुत कम है, क्योंकि अब जो गाड़ियों का स्तर है वो दिन ब दिन घटते जा रहा है, और जो आज की तारीख है लगभग लगभग 3-4 तारीख होगी, और नहीं 3 नहीं है 4, आज इलेक्शन का डेट भी आ रहा था ना, मगर ये गायब का चल रहा है, पता नहीं कितनी देर में आ रहा है इधर को। चलो भाई धीरे धीरे आगे को बढ़ते हैं। सो आज का माहौल इस तरीके का है, देखो साहब तालाब में जो है ट्रैफिक ज़्यादा है, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा बोटें चल रही है, और इसके किनारे में टूरिस्ट लगे पड़े हैं, आनंद ले रहे हैं, लुत्फ ले रहे हैं, सब चीज़ का मजा ले रहे हैं भाई। ये चीज़ और बेटर है, क्योंकि जो आज का जो वेदर है ना उस हिसाब से उन्होंने जो माहौल बनाया है ठंड के हिसाब से वेरी ठंडा भाई। मेरे को तो जैकेट पहन के आना था पर मैं जैकेट पहन के आया नहीं। सो अब हल्के हल्के करते माल रोड का वॉक, पूरा तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट 7 बज चुका है, और माल रोड से फिर नैनीताल जाने में हमें काफ़ी टाइम भी लगेगा, जिससे कि आते वक्त हमें बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, और घर पहुंचना जल्दी है हाँ ज़रूरी, क्योंकि जो मेरे भांजे लोग हैं आज चले गए हैं घर की ओर को, यानी कि मुक्तेश्वर रहते हैं, मुक्तेश्वर चले गए अपने घर, फिर उसके बाद कह रहे थे 10-15 दिन में फिर आएंगे लौट कर, लौट के आना है नैनीताल बोर्ड स्टैंड। देखो ये है नैनीताल वाला बोर्ड स्टैंड, और परसों तक तो मुझे यहाँ पर भर भर की भीड़ दिख रही थी, आज ऑलमोस्ट खाली टाइप का ही है। देखो लगभग लगभग गिने चुनिंदा लोग रह चुके हैं, और देखिए इधर हल्का फुल्का दिखेगा आपको, और बाकी तो सारे का सारा जो क्राउड होगा वो नैनीताल की ओर को होगा, क्योंकि जो नैनीताल में है ऑलमोस्ट लोग आते इधर से हैं, मतलब घूमते नैनीताल पे ही है। क्राउड ज़्यादातर आजकल नैनीताल में रहता है, क्योंकि जो टूरिस्ट आता है सबसे पहले नैनीताल में कदम रखता है भाई, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वो नैनीताल को जानता है, घूमने के कौन कौन से प्लेसेस है वहाँ वहाँ विजिट करता है ना। फिर नैनीताल में घूमने के बहुत सारे प्लेसेस तो है, मगर बेस्ट प्लेसेस माल रोड का शाम का हो, कहीं भी आ जाओ सुकून यहीं आके मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिल जाता है। मेरे को अभी से कितना ज़्यादा सुकून आ रहा है, सुबह से पसीने में लिप्त था, बिल्कुल बिल्कुल कोई पसीना नहीं था, बहुत मस्त हो रहा था भाई। अरे बहुत अच्छा मौसम था आज ना भाई, उसका जरूरत ही नहीं था, पंखे का जरूरत ही नहीं था, तो टेम्परेचर था 27, इतना तो हो गया, यहाँ -0 था नीचे मेरे घर के पास, इसके पास होगा क्योंकि इसने आइस लगाए थे ना घर के ऊपर से, इसका फ्रिज खुला रह गया था, -0 तब था इसके पास। दोस्तों आज इलेक्शन की डेट है, और आज है वोट रिजल्ट, कैसा होगा क्या होगा और क्या होगा और कौन जीतेगा, इस पर चर्चा होगी बहुत ज़ोरों से। बट हमें तो क्या, हमें तो यहाँ माल लूट के मजे लेने हैं, ठंडे के मजे लेने हैं, बाहर वाले तो गर्मी से पछता रहे कि यार इतना गर्मी काहे को, टेम्परेचर 55 42 से लेके 50 क्रॉस चल रहा है भाई एवरीथिंग, मगर जो पहाड़ों के क्षेत्र में रहता है ना भाई उनके लिए बेस्ट बेस्ट लोकेशन में बेस्ट चीज़ और हरियाली से भरी हुई चीज़ों में घूमना है। और सामने देख सकते हो आप कि टूरिस्ट लगभग लगभग ऑलमोस्ट है, क्राउड है ज़्यादा बट स्टिल कम है, क्योंकि आज जो इलेक्शन की वजह से थोड़ा सा कम है, और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि यार आधे से ज़्यादा सारे के सारे वहीं बिजी होंगे, और देखना कल से क्राउड जो होगा ज़्यादा रहेगा, बिकॉज सबको टाइम मिल जाएगा, क्योंकि इलेक्शन की डेट ऐसे टाइम पर आई थी जिस टाइम पर गर्मी ज़्यादा रहती है। दोस्तों सामने पुलिस वाले देख रहे मेरे पीछे,
वो बेचारे उन अंकल को हल्दा रहे पता नहीं, क्योंकि शायद उनके पास कुछ ज़्यादा आइटम होगा बेचने बेचने का, और रोड किनारे लगाने दे नहीं रहे ऐसे स्ट्रीट फूड टाइप का, क्योंकि गंदगी ज़्यादा होती है लोगों को। और यहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाया गया है, इनकी दिनचर्या चल रही है, अपने रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से चल रही होगी दोस्तों। और दिन तो ये देखिए यहाँ पर हर किसी को इजीली सवारी मिल जा रही थी, आज जो चिल्ला रहे लोकल टैक्सी, मतलब आज जो क्राउड है इधर का थोड़ा बहुत कमी है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने घर की ओर पलायन कर लिया है, बिकॉज ये वीकडे है, वीकडे में तो आधे से ज़्यादा लोग घर की ओर चले जाते हैं, और फिर उसके बाद वीकेंड की ओर इधर पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ते हैं, क्योंकि ऊपर के क्षेत्र में ज़्यादा ठंडा रहता है ना भाई, यानी कि हिल्स एरिया पर कुछ ज़्यादा ही ठंडा रहता है अकॉर्डिंग टू आ प्लेन्स के मुताबिक, यानी कि भाबर या कह सकते हो जैसे पहले कहते ना भाबर उस हिसाब से। तो अब हम मालोट के ओवर एंट्री करने जा रहे हैं, बट रोटेड पॉइंट में ज़्यादा घंटे उधर सेंटर है, उसका हिसाब मेरे को नहीं पता, क्योंकि वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ के साधन हैं वो ज़्यादा होंगे, उस वजह से वहाँ पर ज़्यादा विजिट भी करते हैं। और बेस्ट लोकेशन उस चीज़ का क्या है, क्योंकि वहाँ पर से लेक का व्यू है ना बहुत ज़्यादा भव्य दिखता है, बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा लुप्त उठाने वाला भाई, मन को मोह लेने वाला, सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर ही होती है देखिए। और एक्टिविटीज़ की चीज़ें हैं तो बच्चे वहाँ पर ज़्यादा खिलखिलाते हुए खेल रहे, देखिए सामने देख सकते हो 7 बजे भी पूरा का पूरा इस बार तो पूरा का पूरा प्रबंधन कर रखा। और दो गाड़ियाँ हैं देखो यार ट्विन मैन, एक ये हो गई और एक ये हो गई, इसलिए लगाई गई है सीधे टो करके ना इस बार सीधे थाने के पास खड़ा करा जाए, और अगर ज़्यादा ही उसने चिक चिक करी तो सीधे चालान काट दिया जाए, ये ज़्यादा बेस्ट है। मगर टूरिस्ट यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी एरिया है ना तुम अकॉर्डिंग टू ऑल माल रोड, देखो यहाँ पर इतनी ज़्यादा चौड़ी रोड है कि आधे से मतलब यार 6 गाड़ियाँ लाइन मारी ऐसे सीधे में ऐसे में खड़ी हो जाएंगी, हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी भाई, बिल्कुल डेफिनेटली हो जाएंगी ना। सो अभी हम सोच रहे कि आगे तक का जाया जाए और अपना बेस्ट प्लेस जो नहीं है रोटेड पॉइंट वो देख कर आ जाए, बट अगर मैं अपना गोल्डन आवर कहूँगा तो वो तो आज मैं मिस कर चुका हूँ, उसको तो छोड़ो भैया, और गोल्डन आवर देख के आप भी बोर हो गए होंगे काफ़ी। सो अब देखते हैं आगे की ओर जाते हैं और तुम्हें दिखाते हैं आगे कितना ज़्यादा रस यानी कि टूरिस्ट यानी कि क्राउड आया हुआ है इन वीक डे। पूछ रहा था ना टावर कौन सा है, अब मुझे पता चल गया ये जियो का टावर है, क्योंकि जियो वाले हर जगह में लगा रहे, शायद नैनीताल में हो सकता है इस बीच में वाईफाई फ्री हो जाए और आने वाले टूरिस्ट इसका लुत्फ़ उठाए, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्कों का बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होता है, मतलब जैसे आउटर प्लेस नहीं है, जैसे कि यहाँ से नैनीताल से थोड़ा सा आउट निकल के जाओगे तो उस वजह से यहाँ पर ये टावर लगाई गई है, शायद मे भी हो जाए तो बेस्ट में से बेस्ट है यार, क्योंकि मेरे वहाँ भी जियो का। हाँ सो वो देखिए मैं गोल्डन आवर की बात तो कर रहा था, मगर आज तुम काल का लुत्फ़ उठा सकते हो यहाँ पर, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट बहुत कम बोटिंग होगी और शाम के 6-7 बजे बाद ऑलमोस्ट बंद ही कर देते हैं बोटिंग चलाना, बढ़ा देते हैं, यानी कि अगर बनियों वाली लैंग्वेज में कहोगे तो बढ़ा देते हैं, क्योंकि उसके बाद अगर बंद कर देना चाहिए तो कहना चाहेंगे तो मतलब वो टोटली क्लोज्ड हो जाती है ऑलवेज के लिए, बट अभी बंद नहीं है, बढ़ा दी गई है ऑलमोस्ट। मैम अधम तार पर पहुँच गई है हाफ मालोड और गाड़ी खड़ी करने नहीं दे रहे हैं टूरिस्ट को भी, अभी ट्विन वैन वाले आए थे हटा गए, पुलिस वाले सब साफ शब्दों में कहा कि यहाँ से हटा दीजिए ट्रैफिक का इशू हो जाता है बहुत ज़्यादा, बट यहाँ पर अभी देखो ह्यूमंस का ट्रैफिक यहाँ नहीं थी, पब्लिक ट्रैफिक कह सकते हो छोटा भीम नहीं यार ये गलत हो गया क्या, और देखो यहाँ पर कितना बड़ा बोर्ड लगाया गया छोटा भीम का, छोटा भीम ही है, हाँ छोटा भीम ही है भाई, छोटा भीम ही है, तो ये आते सब चैनल पर। तो अब इधर देखो आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पर टूरिस्टों का जो अभाव है वो बढ़ता ही जा रहा है दिन बर दिन, यहाँ पर खाने वाले व्यक्ति भी ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि फूड लवर। देखिए यहाँ पर अगर पानी पूरी का ठेला, मैं कह नहीं था फूड लवर से बहुत है, पानी पूरी के ठेले में ना सबसे ज़्यादा जो विजिट करने वाली होती है वो लड़कियाँ होती है, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा पानी पूरी पसंद आता है, और देख सकते हो आप, और आगे तो और ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा रस है यार आज तो, ये देखिए हाफ माल रोड में है, मगर मैंने तो तलीताल में सोचा था ज़्यादा होगा, नहीं तलीताल में कम लग रहा था, सोचा नहीं था, सोचेंगे तो कितना ज़्यादा क्राउड तो ऐसी निकलेगा, मगर हाफ माल रोड में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट हवाएं इतनी अच्छी चल रही होगी उस वजह से यहाँ पर ज़्यादा लोग विजिट करते हैं, और दुकानें सबसे ज़्यादा यहाँ से स्टार्ट होती है पूरे मलिताल तक का, तो यहाँ पर ज़्यादा क्राउड रहता है। सो दोस्तों मैं वापस ही आ गया हूँ अपने नीचे वाले रोटेड पॉइंट में जो पड़ता है आदमसाल से नीचे नीचे, सो यहाँ पर देख लीजिए कितना ज़्यादा भीड़ है भाई, क्राउड देखो बोटिंग करके लोग आ रहे हैं भाई, कितना खुश दिख रहे बोटिंग करने के बाद, और देखो एक्टिविटीज़ के साथ उस टाइम में कहने जाता कि लड़के बच्चे लोग ज़्यादा खुश होते हैं एक्टिविटीज़ करने के लिए, ये देखो कितना ज़्यादा खुश है, और यहाँ पर क्राउड इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पैदल वॉक चल रहा है ना अभी, और मान लो गाड़ी कम अलाउडेड है बिल्कुल बहुत ज़्यादा। तो मैं क्या सोच रहा था मैं भी इस चीज़ को करूं, बट अगर ये हटेंगे तभी, मगर बच्चे भी कहाँ हटते यार, और हवा चल रही है देखो कितनी लाजवाब, पेड़ कैसे हिल रहा है। वापस आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा है क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें ऐसी एडमायर कर रही थी बच्चों को देखते, क्योंकि बच्चों का जो मन होता है ना बड़ा अच्छा होता है, उसी हिसाब से ये बच्चा भी चल रहा है, देखो बड़ा तो है मगर बच्चा नहीं है। तो दोस्तों चलो फिर वापस की ओर मूव करते हैं, अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दिस इज रियो रियो 304 या रियो ब्लॉगिंग्स में भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। तो
मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तुम्हारे लिए वीडियो ऐसी लेके आते रहेंगे बार बार। सो बाय बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।